a scamster, Mr. Mehta? ऐसा कुछ नहीं। ये आप इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप मुझे जानती नहीं हैं। अगर जान जाओगे तो मान जाओगे। Okay, truce. Truce. So, ladies and gentlemen, welcome to Kabir Cafe's live performance, and we wanted to thank you for all of your love and appreciation. और जितने सारे interviews और live shows हमने किए हैं, अभी तक तो appreciation, we didn't even talk about the music. Yes, बहुत सारे लोगों को म्यूजिक इतना पसंद आया है, ऐसी कोई कमेंट नहीं है जिसमें लोगों ने म्यूजिक का जिक्र नहीं किया हो, और इस म्यूजिक का बड़ा ही अहम हिस्सा जो है वो आज हम आपके पास लेके आ रहे हैं। So let's not talk about it. Yes. Let's. तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, मैं पहले आप सबको बैंड के मेंबर से मिलवाना चाहूंगी। फर्स्ट वी हैव ब्रिटो के.सी. ऑन बेस, देन वी हैव वीरेंद्र सोलंकी ऑन ड्रम्स, we have Vikram Brahmankar on percussion, yes, we have Piyush Acharya on harmonium, we have Mukund Ramaswami on violin, and finally the man himself on vocals and rhythm guitar, Neeraj Arya. Ladies and gentlemen, Neeraj Arya's Kabir Cafe. The gentlemen, the stage is yours. मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। हो कायागार से काछी रे, जैसे ओसना मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना पाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती, वो झूठी कूटता छाती जैसे ओसरा मोती। थैंक यू जो लाइव देख रहे हैं, ताली बजाओ जहां जहां बैठे हो। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस मंच पर खड़े हैं। प्रतीक भाई और श्रेया भाई हैं, नहीं हमारी भाई ने बोली बहन है। तो ये दो जनों ने जो काम किया है ज़बरदस्त, और आप सभी ने देखा स्कैम 1992 जो हर्षद मेहता पे बनी है और हंसल मेहता जी ने इसको डायरेक्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त। उनको सबसे पहले थैंक यू कहेंगे कि हमें चांस दिया। SonyLIV को भी थैंक्स कहना चाहेंगे कि हमारा म्यूज़िक वहाँ पे आया, और अपलॉज वालों को भी थैंक्स कहना चाहेंगे, और हमारा को तो थैंक्स बनता ही है। ताली बजा दो। तो मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। सिंपल है कि हम लोग जो एक भ्रम में जी रहे हैं ना कि कमाना है, सब अपना मटीरियल जो चीज़ें उस पर भिड़े हुए हैं। हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अपने लिए जोड़नी है, परिवार के लिए जोड़नी है, बच्चों के लिए जोड़नी है, बहन भाइयों के लिए जोड़नी है, बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कबीर कहना चाह रहा है भाई ये तो तू अपने लिए नहीं कर रहा है, ये तो दूसरों के लिए कर रहा है अपने आप को। और तुझे लगता है कि मैं खुश हो रहा हूँ। हम लोग दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन कबीर का मानना यह है कि जब इंसान अपने आप से खुश हो और अपने आप में खुश रहे, तभी उसकी असलियत में खुशी बढ़ सकती है। तो उसमें बोला है कि कायागार से काशी जैसे ओसरा मोती। ओसरा मोती से मतलब वह जो एक बूंद होती है, जब वो पड़ी रहती है उस पर, जैसे उस पर अगर कुछ भी हवा भी चली ना, वो ऐसा बिखर जाती है। वैसा अपना शरीर भी है, शरीर से अगर आत्मा निकल गई तो कहानी ख़त्म है हमारी। ये सब आत्मा का खेल है। तो ये था मत कर माया को अहंकार। और अगला जो गाना है ये हमारे दिल के बहुत करीब है। इस गाने का नाम है क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा ना। जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। तू झूठा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौबन का, तू झूठा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौबन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। कबीर कैफे, मुकुंद रामास्वामी वायलिन पे जोरदार तालियां भाई, पीयूष आचार्य हारमोनियम पे, वीरेंद्र सोलंकी ड्रम पे, विक्रम भाई हमारे पकशन पे, ब्रिटो केसी बेस गिटार पे एंड बैकिंग वोकल्स पे, हमें नीरज आर्या, कबीर कैफे। और हम सिर्फ कबीर के भजन गाते हैं। हिंदुस्तान का एक वाहिद बैंड है जो है नीरज आर्या कबीर कैफ़े, जो सिर्फ कबीर गाता है। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम को। 1992 स्कैम जो आया है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और प्रतीक और श्रेया आ रहे हैं, थैंक यू। ये जो दो गाने जिन्होंने शो को अलग ही एक पहचान दे दी, शो में अलग जान डाली है, और दो शो के इस मोड़ पे दोनों गाने यूज हुए हैं जहाँ से उसके इमोशन को एक अलग ही हाइट मिल गई है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कबीर कैफे। थैंक यू। कबीर के दो है, मतलब मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, मैंने बचपन से पढ़े भी हैं, पर इस प्रकार से कबीर के दोहे को सुनने का कभी अवसर ही नहीं मिला। करेक्ट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे जो आप सॉन्ग्स बनाते हैं कबीर के दोहे के बारे में, आई मीन इंस्पायर कैसे होते हो? आपको आइडिया कैसे मिलता है कि यहाँ से हम ये लिरिक्स लेके थोड़ा परकशन वायलिन ये सब डाल के आप जस्ट वो आप एक बता दीजिए। आई थिंक हम लोग जैसा कि जो बैंड है नीरज आर्या कबीर कैफ़े बहुत ऑर्गेनिकली फॉर्म हुआ है। जैसे हमसे कई लोग पूछते हैं कि यार ये आइडिया कहाँ से आया, तो ये आइडिया नहीं था, क्योंकि कबीर जो हम गा रहे हैं ये अभी का नहीं है, तो 15वीं शताब्दी में कह के चला गया। हमने किताबों में सबने पढ़े थे दोहे, कल करे सो आज कर, वो तो सिर्फ नंबर के लिए थे। लेकिन ये जो अब जो नंबर कमाना है ना, वो नंबर असली नंबर कमाना है उसको समझ के। तो हम लोगों ने बहुत ऑर्गेनिकली हम सब मिले हैं। अगर आप देखेंगे ब्रिटो के.सी. मणिपुर से हैं, वीरेंद्र सोलंकी गुजरात पालनपुर से हैं, और मुकुंद रामास्वामी केरला से हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ, और पीयूष और जो विक्की हैं वो महाराष्ट्र ने नागपुर और महाराष्ट्र से हैं। तो सब जगह के सब प्रांत के लोग यहाँ हैं, और ऐसा नहीं था कि डिसाइड था। मुझे लगता है कि कबीर ने हमको चूज़ किया था, भाई आपको यहाँ आना है, और पिछले 7 साल से चल रहा है। आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि हम लोग प्लान नहीं करते हैं, जैम होता है। जैसे मैंने कुछ गा दिया, अच्छा है। जैसे मूवी में भी एक पार्ट था कि ये कुछ नहीं रहना पास रे बंदे, जाना है खाली हाथ रे बंदे। अब ये लाइन जो थी चाहिए थी, मतलब इस तरह का माहौल चाहिए था जो हमारा कोई दूसरे गाने में था। तो फिर हमने अंतर को कहा कि हम ट्राई करते हैं कुछ उसमें करने में। हम सब लोग बैठे तो हम ये दो ही शब्द हमने लिखा और इसको कंपोज किया, कुछ नहीं रहना पास रे बंदे, जाना है खाली हाथ रे बंदे। तो ये आई थिंक जब हम जब मिलते हैं आपस में तब वो क्रिएट होता है। तो हम लोग ये रिसर्च नहीं करते, हमने पढ़ नहीं रहे हम कबीर को। तो अगर आप हमसे लिटरेचर में कबीर को पूछने के लिए जाएंगे तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है। शायद पढ़े हुए सब है, वो इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर हैं, तो इज अ ड्रॉप आउट, मुकुंद इज अ ड्रॉप आउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ड्रॉप आउट मतलब जॉब, इंजीनियर से ड्रॉप आउट नहीं, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करे, इंजीनियर बन गए, उसके बाद ड्रॉप आउट किए 2 साल काम करने के लिए। और वीरेंद्र जो है ये पिछले कितने सालों से बजा रहे हैं पता नहीं, 6-7 साल से, और वो 6-7 साल के थे तब से। हाँ, और रजत को भी बुलाना चाहेंगे। रजत सर आप भी आइए, ये हमारी बैकबोन रीड की हड्डियाँ कि ये भी रहें, और इनके भी आप इनसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है कि इनका क्या विचार रहते हैं इन लोगों के कबीर के थॉट में। सर प्लीज कम। तो देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मेकिंग की ये भजन उठाना है, ये ऐसा करना है कि हमको जो अच्छा लग रहा है तो उठा लो। So no process itself is a process. हाँ, that's the biggest process, right? And also biggest scam. Oh, she's still not out of scam. But thank you very much. Yeah, thank you very much. कबीर के दोहे ये बातें इतने सालों से चल रही हैं, और इसके जितने नए रूप आएंगे उतने कम। मतलब ये ऐसा है ना, ये फॉर्म एक ऐसा है कि इसका कोई अंत है ही नहीं, और इसका अंत होना भी नहीं चाहिए। और जो फॉर्म आप लोग लेके आए वो तो शायद मुझे लगता है कि पीढ़ियों तक, लोगों तक पहुंचने में, कबीर को लोगों तक पहुंचाने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने एक कबीर का दोहा, वो जो है ना, वो एक उनका भजन, वो मुझे बहुत पसंद है। वो भी मैंने सुना था। अच्छा। आपके बैंड का मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आई थिंक उसमें वही विश्वास की बात है। और इसमें जो दोनों गाने, मतलब आज तो जो दो सुना, आई कैन स्टिल फील द गूज़बम्प्स। But thank you very much, guys. Thank you guys. Very much. And thank you everybody for joining us for Neeraj Arya's Kabir Cafe's live performance. We hope you liked it, and we will see you soon. Thank you. Thank you. Thank you.